पतरंगी तड़का, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणपति बाप्पा का स्पेशल मोदक, जिसमें हम डालेंगे क्रैनबेरीज, हेजलनट्स और हमारा बहुत सारा प्यार हमारे बाप्पा के लिए। तो आइए बनाते हैं आज हम हेजलनट एंड क्रैनबेरी मोदक। सबसे पहले हम लेंगे एक कप डार्क चॉकलेट, जिसे हमने 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा चॉकलेट बहुत ही स्मूथ और शाइनी होगा। इससे इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया रहेगा और हम जब चॉकलेट बनाएंगे हमारा चॉकलेट बहुत ही शाइनी दिखेगा। इसे हम मोल्ड में डालेंगे, हम मोल्ड को पूरा ऊपर तक भर लेंगे और फिर उसके बाद में हम एक्स्ट्रा चॉकलेट एक कप या एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे सारा एक्सेस चॉकलेट निकाल देंगे। एक्सेस चॉकलेट निकालने के बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतने हम हमारा क्रैनबेरीज काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। क्रैनबेरीज जितना फाइन होंगे उतना ही हमारा चॉकलेट का टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे हमने कुछ हेजलनट्स लिए हैं, जिसे हम स्क्वैश कर लेंगे या तो एक नाइफ से या तो एक बाउल की मदद से। आप एक कटोरी, चम्मच, किसी से भी इसे स्मैश कर सकते हैं। हमें इसे दरदरा फॉर्म में रखना है। हमारा सब हेजलनट स्मैश हो चुका है। हम थोड़े से हेजलनट्स का क्रश पाउडर बनाएंगे, जो हम लास्ट में डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे। ये आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे अदरक कूटने वाला है, जिसमें हमने पाउडर फॉर्म बना लिया है हेजलनट्स का। अब हम इसे एक मिक्सी बाउल में डालेंगे और हमारे क्रैनबेरीज को भी इसी में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा हेजलनट बहुत ही बारीक भी नहीं है, दरदरा है। हमने यहाँ पे इसमें क्रैनबेरी मिक्स किया और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच कंडेंस्ड मिल्क और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको ये हेजलनट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। हमारा चॉकलेट मोल्ड अब सेट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हेजलनट का मिक्स। हमें इसे डाल के अच्छे से दबा लेना है। मिक्सर अच्छे से दबाने से आप बाद में जब भी चॉकलेट डालेंगे आपका चॉकलेट बहुत ही इजीली इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें ध्यान रखना है कि हमें मिक्सचर एक सूद कम ही भरना है। अभी हम इस पर हमारा मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे और हमारा मोदक को कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मोदक इवनली स्प्रेड आउट हो चुका है और हमने चॉकलेट इसमें अच्छे से जमा दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। हमारा चॉकलेट सेट हो चुका है, अब हम इसे निकाल के देखेंगे। देखिए हम ध्यान से निकालना है हमें। हमारा मोदक निकल चुका है। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही शाइनी है। इसको अब हम डेकोरेट करेंगे। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट। हमें ये रिपीट करना है हर एक मोदक के लिए। इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा क्रश्ड हेजलनट पाउडर, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। आप देख सकते हैं हमारे मोदक बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रहे हैं खाने के लिए। आइए इसका भोग लगाते हैं गणपति बप्पा। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो हमें देख के बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हमें क्या इसे इम्प्रूव करना है और हमें कहाँ पे और ज़्यादा या कौन से डिशेस बनाने हैं, आप हमें बताइए। हम आपके कमेंट्स ज़रूर रेफर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अतरंगी तड़का।